हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्ण के बारे में। हिंदी का टॉपिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने जो है वो वर्ण का टॉपिक आपके लिए लाया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ण क्या होता है। दोस्तों इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको एचपी पुलिस के रिगार्डिंग हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए वर्ण क्या होता है। दोस्तों वर्ण जो है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। या यदि आपने दूसरी डेफिनेशन लर्न रखनी है वो क्या है, हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहलाती है। ठीक है, अ आ ई ई उ क ख ग, ठीक है, ये होते हैं वर्ण। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि हिंदी जो हमारी देवनागरी वर्णमाला है, इसमें हिंदी वर्णमाला में टोटल स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, अनुस्वर कितने होते हैं, सबका आपको ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्वर। दोस्तों सबसे मेन बात क्या होती है, जैसे जैसे हम बड़ी क्लासों में जाते हैं तो हम जो हैं, जैसे बंदा कॉलेज में पढ़ रहा है या प्लस वन प्लस टू में पढ़ रहा है, तो उसे अ आ का ज्ञान जो है वो कम रहता है, क्योंकि उसे इसके साथ टच रहते हुए बड़ा ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो इस कारण वो इसे भूल जाता है। तो आपको अ आ को भी यदि आप भूल चुके हो तो आपको इसे भी लर्न करना होगा। सबसे पहले क्या है, स्वर। स्वर अ आ ई ई उ ऋषि ए ए ओ औ, और अनुस्वर क्या होते हैं, अ आ, ठीक है, फिर व्यंजन क ख ग। इस प्रकार से आपको सभी जो स्क्रीन पर आपको शो हो रहे हैं, इसी प्रकार से आपको ये जो है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग के और त वर्ग के, प वर्ग, सब आपको लर्न करने हैं। ठीक है, फिर अंतरस्थ वर्ण क्या होते हैं, य र ल ब को अंतरस्थ वर्ण कहते हैं। फिर उष्म, श श स ह को उष्म कहते हैं। संयुक्त, क्ष त्र जग श, ये आपको संयुक्त वाले याद रखने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पुट होते हैं, इस स्लाइड में आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सबसे पहले वर्णमाला, वर्णमाला के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, ये आपको याद रखना है, कुल कितने वर्ण, 52। ठीक है, और इसमें आपको पता होना चाहिए कि स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। यदि मूल स्वर की बात करें तो वो होते हैं 44, वैसे टोटल होते हैं 52। ठीक है, इसमें ये जो वर्ण हैं अ आ ड और ड क्ष त्र, ये सब छोड़कर 44 वर्ण होते हैं। ठीक है, देन बात करते हैं उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण, वो होते हैं 47, 10 स्वर और 37 व्यंजन। ठीक है, इनको छोड़कर नेक्स्ट कुल वर्ण कितने होते हैं, 52। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें होते हैं 33 स्वर और 39 व्यंजन। लेखन के आधार पर वर्ण होते हैं 52, 33 स्वर और 39 व्यंजन। देन मानक स्वर, मानक वर्ण के आधार पर 52 और सेम तीनों के लिए किसी भी तरह आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कुल वर्ण पूछे जाएं या लेखन के आधार पर वर्ण पूछे जाएं, मानक वर्ण, तो आपको यही डाटा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मानक देवनागरी वर्णमाला। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णमाला के दो भेद होते हैं, वो होते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर को उच्चारण की दृष्टि से आगे फर्दर तीन भागों में बांटा गया है। क्या क्या है, हर्स्व, दीर्घ और प्लूत। हर्स्व क्या होता है, जिस स्वर को काफ़ी दोस्तों कम टाइम लगता है, कम से कम समय में उच्चारण हो जाता है, उसे कहते हैं हर्स्व। ठीक है, और इसमें आते हैं अ ई उ ऋषि। ठीक है, इसमें सबसे यदि आपको पेपर में पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, आपको याद रखना है 4। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड की, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है, दोस्तों दीर्घ स्वर होता है जिसमें हस्व स्वर
से दुगना समय लगता है, ठीक है। और इसमें संख्या आपको याद रखनी है सात। सात कौन कौन सी? आ ई ऊ ए ए ओ औ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसके साथ साथ आपको याद रखना है प्लूत स्वर। प्लूत क्या होते हैं? जिसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। और इसकी जैसे ओम हो गया, ये आपको मेन याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जीव के आधार पर कितने होते हैं स्वर। जीव के प्रयोग के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, वो भी आपके तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अग्र, फिर मध्य, फिर पश्च, ठीक है। अग्र का मतलब होता है आगे का, मध्य का मध्य, और मध्य का बीच में, और पश्च का पीछे का, ठीक है भाग। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का आगे का भाग काम करता है, उन्हें कहते हैं अग्र स्वर। इतना सा भाग आपको याद रखना है, ई ई ए ए, ठीक है। देन मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग काम करता है, वो होते हैं मध्य स्वर, जैसे अ। देन पच्छ स्वर, जिसमें जीव का पीछे का भाग काम करता है, उसे कहते हैं पच्छ स्वर। और कौन कौन से होते हैं? आ ओ औ ऊ और ओ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट मात्राएं, दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। स्वरों में स्वरों के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। उच्चारण करने में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और स्वरों की मात्राएं जो है वो निम्न है। अ की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कम शब्द लिखिए तो इसमें कोई मात्रा यूज़ नहीं है। देन आ की ये मात्रा होती है, ई की ये होती है, इसमें अ की काम, इसमें अ मात्रा लगी है। देन ई की से, ये आपको याद रखना है। फिर खीर में ई बड़ी की मात्रा लगी है, ऊ में गुलाब में छोटे ऊ की, ऊ में भूल में जैसे बड़े ऊ की, इस प्रकार से आपको जितने भी चार्ट में मात्राएं दी गई हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अ वर्ण में कोई भी मात्राएं नहीं होती हैं। देन बात करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या था? वो था हमारा व्यंजन का पार्ट। जिन वर्णों में पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें कहते हैं व्यंजन, ठीक है। व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देन व्यंजन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 39। नेक्स्ट, व्यंजनों का अपना मूल स्वरूप इस प्रकार से है। क जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है, देखो हलंत लगा है इसके नीचे, मीन्स इसमें कोई भी अ की मात्रा यूज़ नहीं है। यदि क प्लस अ हलंत प्लस अ जुड़ जाए तो पूरा क आ जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन बात करते हैं अ लगने से व्यंजनों के नीचे हल चिन्ह हट जाता है, तो इसमें क च छ इस प्रकार से आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं व्यंजन के तीन भेद होते हैं, स्वर, स्पर्श, अधीनस्थ और ऊक्ष्म। दोस्तों स्वर्ण स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो तीन वर्गों में रखा गया है, ठीक है, वो है। हर वर्ग में पांच पांच स्वर होते हैं। क्या बोला गया है? स्वर स्पर्श व्यंजन में आपको याद रखना है, हर इन्हें पांच वर्गों में बांटा गया है, क च ट ट और प, ठीक है, ये हैं पांच वर्ग। क्या है? क, इसे भी आपको अच्छे से लर्न रखना है। क्या बोला है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। क ख ग ग, च झ झ झ, फिर ट ठ ड ड, न ट थ द द, न प फ ब प म, ये आपको याद रखना है। क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के, प वर्ग के, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आपको इस प्रकार से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि आपको बताना है कि
इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। जैसे आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन कि ख में आपको बताओ कि ख में कौन सा उच्चारण स्थान यूज़ होता है, तो आपको याद रखना है कंठ का, कंठ से बोले जाते हैं ये। फिर कंठ आपको इसके लिए कंठ याद रखना है, देन आपको इसे च वाले के लिए ताल मीन्स तालू से बोले जाते हैं ये आपको याद रखना है। दोस्तों क ख ग ग आप बोल के देखिए कि कंठ का प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, बोल के देखिए आप मेरे साथ 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 क ख ग ग कंठ का प्रयोग होता है, कंठ के बिना ये नहीं बोले जाते, तो इसके लिए कंठ का यूज होता है, ठीक है। फिर च को बोलने के लिए च छ ज तालू का प्रयोग होता है, ट ठ ड ड इसके लिए होता है आपका मूर्धन्य का प्रयोग, मीन्स जो आपकी जीवा होती है वो आपकी उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो ही ट ठ ड आप बोल के देखिए आपकी जीवा जो है वो उल्टी हो रही है या नहीं हो रही है, एक बार आप बोल के देखिए ट ठ ड ड कि आपकी जीवा जो है जीव उल्टी हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। मीन्स उलट कर ये पीछे हो जाती है ट से बोलने के लिए, तो इसके लिए मूर्धन्य। फिर त थ द इसके लिए दंत, ठीक है। फिर प फ ब ब इसके लिए ओष्ठ, मीन्स आपके होंठ जो हैं वो इनके उच्चारण स्थान हैं, ठीक है, किसके प वर्ग के। नेक्स्ट आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एक होते हैं घोष व्यंजन और एक होते हैं अघोष व्यंजन, घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन, ठीक है। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कौन कौन से, एक होते हैं घोष व्यंजन और एक होते हैं अघोष व्यंजन। जो घोष व्यंजन होते हैं वो होते हैं स्वर तंत्रिकाओं में, जो भी आप बोलने की कोशिश करो तो उनमें स्वर तंत्रिकाओं में आपकी कंपन होती है, तो ही वो व्यंजन जो है वो बोले जाते हैं। तो क्या बोला मैंने, घोष, घोष और अघोष, ठीक है, घोष और अघोष। घोष जो है वो आपके आपको याद रखना है, जैसे इसमें एक दो तीन चार पाँच है ना, एक वर्ग में पाँच व्यंजन हैं, तो आपको याद रखना है जो आपके घोष हैं वो लास्ट के तीन हैं, ठीक है, लास्ट के तीन जो हैं वो घोष हैं। लास्ट के तीन मीन्स ग ग ड, फिर ज ज न, ट ठ ड, द द न, ये लास्ट के जो हैं वो घोष हैं और आगे के अघोष हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ, नेक्स्ट बात करते हैं। आपको एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन से व्यंजन जो है वो महाप्राण हैं, कौन से व्यंजन अल्प प्राण हैं। क्या बोला मैंने, आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा व्यंजन जो है वो अल्प प्राण है, कौन सा व्यंजन महाप्राण है। क्या शब्द है, पहला शब्द है अल्प प्राण, दूसरा शब्द है महाप्राण, दो शब्द हैं, ये भी आपको एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों प्राण आता है, प्राण मीन्स हवा, ठीक है, प्राण मीन्स हवा, जिसमें थोड़ी हवा निकलती है बोलने के वक्त, उच्चारण के समय थोड़ी हवा निकलती है तो उसमें बोलते हैं अल्प प्राण व्यंजन। और महाप्राण व्यंजन मीन्स जिसमें ज़्यादा हवा बोलने में निकलती है, जिस व्यंजन के उच्चारण में ज़्यादा हवा निकलती है बाहर, तो उसे बोलते हैं महाप्राण, ठीक है। दो व्यंजन आपको याद रखने हैं, पहला आपको बताया कि घोष और अघोष, और दूसरा अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण होते हैं, इसमें भी आपको तीन पाँच भागों में बांट लेना है, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। इसमें आपने जो आपके होते हैं अल्प प्राण वो होते हैं एक का, तीन का और पाँच का, ठीक है, ये होते हैं आपके अल्प प्राण। मीन्स अल्प होते हैं क आज आ गया, ग आ गया, ड आ गया, ये होते हैं। इसी प्रकार से आपने याद रखना है च ज, इसी प्रकार से आपने सोन याद रखना है। नेक्स्ट महाप्राण, महाप्राण ख बोलने में ज़्यादा हवा बाहर निकल रही, आप बोल के देखिए तो आप खुद एनालाइज कर सकते हो, ख बोलो और क बोलो, क थोड़ी हवा निकलती है बाहर और ख बोलो तो ज़्यादा निकलती है, ग बोलो कम, घ बोलो तो ज़्यादा निकलती है, ठीक है। ये आपको चार टर्म याद रखनी है, घोष अघोष महाप्राण और अल्प प्राण। नेक्स्ट
व्यंजन है अधीनस्थ व्यंजन, अधीनस्थ अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? यर लब अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट बात है ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ये आपके चार होते हैं, श श स और ह। ये आपको ऐसे प्रकार से याद रखना है। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। दोस्तों संयुक्त से मीन्स जो आपके दो या दो से अधिक व्यंजन से मिलकर बने होते हैं वो होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। इतनी सी आपको बात याद रखनी है। क्या बोला मैंने? मिक्स्ड कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर जो बने होते हैं वो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, आपको क्ष क्ष क और क्ष, ठीक है, ये आपका हो गया। फिर ज्ञ ज और न से मिलकर ये बना है। नेक्स्ट त्र ट और र से मिलकर, फिर श्र। ये आपको इस प्रकार से याद रखने हैं। ये चार आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी अनुस्वार और अनुनासिक की। दोस्तों अनुस्वार में आपको याद रखना है जिसके ऊपर आपकी एक बिंदी लगी होती है। क्या याद रखना है अनुस्वार में? अनुस्वार में आपको याद रखना है जिसके ऊपर किसी भी अक्षर के ऊपर एक बिंदी लगी होती है उसे कहते हैं अनुस्वार। जैसे संभव लिखते हैं हम, इसके ऊपर एक बिंदी लगी होती है तो इसे कहते हैं आपका अनुस्वार। नेक्स्ट अनुनासिक। अनुनासिक अनुनासिक शब्द से आपको क्या याद रखना है? जिसके ऊपर चंद्रबिंदु लगा हो, जिसके ऊपर चंद्रबिंदु लगा हो और जब किसी स्वर का उच्चारण नासिकी और मीन्स नासिका और मुख दोनों से किया जाता है तो उसके ऊपर लग जाता है चंद्रबिंदु। और इसका एग्जांपल हंसला और आँख। शब्द आपको याद रखना है हंसना। चंद्रबिंदु जिसके ऊपर भी लग जाए तो उसके आपके याद रखना है अनुनासिक। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी विसर्ग की। दोस्तों विसर्ग क्या होती है? विसर्ग में आपको बस एक ही बात याद रखनी है। क्या आपको याद रखनी है? दोस्तों ये महाप्राण सूचक एक स्वर होता है, ठीक है। विसर्ग जो है इसकी डेफिनेशन क्या है? विसर्ग जो है वो महाप्राण सूचक एक स्वर होता है। और जैसे राम लिख लो, प्राता लिख लो, अतः लिख लो, संभवता लिख लो, और इसे जो हम प्रनाउंस करते हैं, जो हम उच्चारण करते हैं, लास्ट में उच्चारण जो है वो ह के समान आता है। जैसे अतः ह, ह आ रहा है ना लास्ट में प्रनाउन, जब भी हम प्रनाउंस कर रहे हैं, जैसे उच्चारण कर रहे हैं, अतः ह, प्रातः ह, लास्ट में ह आता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी हलंत की। वो क्लियर हो गया दोस्तों? क्या बोला मैंने? सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि विसर्ग का कंसेप्ट क्या है, जिसके अंत में जैसे अतः बोलो, आप बोल के देखिए अतः, तो इसमें आपको लास्ट में ह से समाप्त होगा, ठीक है। अतः प्रातः विसर्ग जो है वो ह के समान होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हलंत की। जब किसी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है तो इसमें एक तिरछा डंडा लग जाता है लास्ट में, तो उसमें आपको ये याद रखना है वो है हलंत। हलंत जैसे आपको यदि आपने खट्टा शब्द लिखना है, खट्टा हलंत, तो इसमें जो है वो स्वर शब्द नहीं है, इस शब्द में स्वर शब्द नहीं है। तो नेक्स्ट है यदि आपने शुद्ध लिखना है, शुद्ध, इसमें भी हलंत आ रहा है। तो बहुत से शब्द आपको इस प्रकार से याद रखने हैं। हलंत का मतलब होता है एक तिरछा डंडा किसी भी स्वर के या वर्ण के नीचे लग जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, आपको क्लियर हो गया, आपने सबसे पहले पढ़ा वर्ण क्या होते हैं, फिर व्यंजन स्वर आपको उनके प्रकार पढ़ाए गए, जैसे घोष क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं, और अनुनासिक, अंतस्थ, ऊष्म, ये आपको याद रखने के लिए सबसे पहले आपको वही बोला। यदि आप कॉलेज में जा रहे हो या स्कूल में जा रहे हो तो आपको जो है वो डैम श्योर ये होता है कि आपको अ से लेकर ज्ञ तक जो है वो वर्णमाला आपको भूल जाती है। यदि आपको वर्णों का कंसेप्ट इसमें एक नंबर भी आपको नहीं जाने देना तो आपको जो है वो इस अ से लेकर ज्ञ तक आपको चीज़ें लर्न करने पड़ेंगी, और आपको एक बार फिर अ से लेकर ज्ञ तक आपको अ आ लर्न करना पड़ेगा यदि आपने इस प्रकार से इसमें नंबर लेने हैं। दोस्तों यदि आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
दोस्तों अभी आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपको जो है ये बताना है कि घोष और अघोष जो व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, घोष और अघोष व्यंजन। ठीक है, कौन कौन से बताया मैंने, घोष और अघोष। और सेकंड आपको क्वेश्चन है अल्प प्राण और महाप्राण आपको लिख के बताने हैं कमेंट बॉक्स में। यदि आपका कीबोर्ड चल रहा है तो आपका हिंदी का कीबोर्ड होता है वो, तो इसमें आपको लिख के बताना है घोष अघोष और महाप्राण और अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन ये है दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, बिकॉज आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, तैयारी कर रहे बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचनी ही चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहते हो तो आप इस वीडियो की PDF लेने के लिए हमारे साथ हमें टेलीग्राम ग्रुप पर फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाएँ और इस वीडियो की PDF लेकर आप बार बार जो है वो रिविज़न करें। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। यदि आप हेल्प कर रहे हो किसी और की भी तो आप उस कैंडिडेट के पास भी इस वीडियो का लाभ जरूर पहुंचाएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।